एब्जॉर्ब या डिलीवर बताइए हर एक एलिमेंट का। तो चलो नेक्स्ट एलिमेंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, ये वाला 8 वोल्ट का सोर्स। देखो तो मैं क्या लिखूंगा, पी 8 वोल्ट का सोर्स क्या होगा, ध्यान से देखो। ये जो आई करंट है ये इसके प्लस से देखो निकल रही, माइनस पे एंटर कर रही थी, ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा। अब अगर डिलीवर कर रहा कितना, 8 गुणे कितना कैपिटल आई, 8 गुणे कितना 2 इज इक्वल कितना 16 वॉट की इक्वल आ गया। ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, इतना पावर डिलीवर कर रहा है। एब्सोल्युटली फाइन सर। नेक्स्ट बताइए, अब अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाऊं, नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला करंट सोर्स जो है इसके बारे में बात करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पी -3 एम्पीयर का जो करंट सोर्स है इसके बारे में बताओ जरा क्या है। देखो जरा ये करंट जो है प्लस पे देखो एंटर लीव कर रही है और माइनस पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। इसका मतलब ये भी डिलीवर करेगा कितना, 10 का वोल्ट माइनस का -3 इज इक्वल टू माइनस कितना 30 वॉट की इक्वल। क्या कर रहा है, डिलीवर के अब्सॉर्ब डिलीवर कर रहा है सर, दिस इज डिलीवरिंग इन नेचर। एब्सोल्युटली फाइन सर, क्लियर। अब बताइए बच्चे क्या एलिमेंट, ये बच्चा और ये बच्चा, ध्यान देना जरा। तो आप बताओ, अब अगर मैं लिखूं इस करंट सोर्स के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, P कितना -4 एम्पीयर का जो है। अब कैसे जज करोगे इसके लिए मैं क्या करूं, अब आपको क्या इसके क्रॉस वोल्टेज दिया है, जल्दी बताओ, नहीं दिया है सर। क्या आपको इसके क्रॉस बेटा वोल्टेज दिया है, नहीं दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा तुरंत कि क्या ये वोल्टेज मैं अपनी तरफ से सर मान लूंगा, अपनी तरफ से मान लूं। आप बताइए जरा, क्या इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज दिया है, क्या इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन एक चीज दिया है, क्या दिया, ध्यान से देखना जरा। आपको यह जरूर दिया है किसका प्लस जो टर्मिनल ये कनेक्टेड इस पॉइंट पे, इसको मैं प्लस कह सकता हूं, इसका माइनस टर्मिनल इससे कनेक्टेड इसको मैं माइनस कह सकता हूं। एब्सोल्युटली फाइन सर। इसको अगर मैं कह दूं वी वोल्ट है तो वी वोल्ट हो गया। अब अगर इस वी की वैल्यू कोई कह दे कितनी होगी तो मैं इजिली निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, जल्दी से बता दो मुझको, ध्यान से देखना और जवाब देना। अगर मैं यहां पे केवीएल लगा दूं, इस डायरेक्शन में लगा दूं केवीएल, तो केवीएल क्या कहता है, जितना वोल्टेज राइज का समेशन होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप का समेशन होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या कह दूंगा, ध्यान से देखते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूं तो जरा ध्यान से देखो, माइनस से प्लस क्या है, वोल्टेज वी है, जिसका मतलब मैंने कह दिया राइज है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वोल्टेज वी। नेक्स्ट बताइए, अब आगे बढ़ते हो, बढ़ते हो, यहां क्या है, प्लस से माइनस ये ड्रॉप हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 10 इज इक्वल कितना 0 हो गया, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 10 वोल्ट की इक्वल आएगी। ध्यान देना सर, 10 वोल्ट आ गया। इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो कितना 10 वोल्ट, ये वैल्यू कितनी 10 वोल्ट की इक्वल है। आप यहां पर भी लगा सकते थे KVL, यहां पर भी लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज पता, इसका वोल्टेज पता, ये अननोन है। तो केवीएल अगर लगाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस से प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। एब्सोल्युटली फाइन, माइनस से प्लस फिर से क्या हुआ, वोल्टेज राइज हुआ, प्लस का कितना आ गया आपका 8 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट बताइए, प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, तो माइनस कितना, वी हो गया इज इक्वल टू 0, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट की इक्वल। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट ना, एकदम बेसिक बेसिक से सर्किट्स हैं, यही बेस बनाएगा आगे के क्वेश्चन के लिए, यही से आप बेस पाते हो बेटा। तो आप बताइए, वी की वैल्यू अगर 10 आ गई बच्चे, तो आप बताओ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एक दूसरे के क्रॉस वोल्टेज क्या सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एलिमेंट में हमेशा वोल्टेज क्या होता, सेम होता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, दैट इज इंपॉसिबल। तो इसका मतलब 10 वोल्ट अगर ये है, इसके क्रॉस भी क्या आएगा, प्लस माइनस 10 ही वोल्ट आएगा। तो बताइए, करंट देखो प्लस से निकल रही है, तो इसका मतलब डिलीवर कर रहा है कितना, -4 मल्टीप्लाइड बाई वी, तो मैं क्या लिखूंगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय वी। वी का मतलब कितना है, -4 इंटू 10 इज इक्वल टू -40 वॉट डिलीवरिंग इन नेचर। परफेक्ट सर। अब आते हैं इस एलिमेंट पे, तो इसको मैं क्या लिख दूं, नेक्स्ट क्या लिख दूं, हटा रहा हूं बेटा, वी की वैल्यू 10 आ चुकी है ना, तो मैं नेक्स्ट क्या लिख दूं, पी 5 एम्पियर वाला जो है, ठीक। तो क्या होगा देखो जरा, प्लस से ये भी करंट निकल रही, तो मैं क्या कहूंगा, ये भी डिलीवर करेगा, कितना करेगा, 5 इंटू वोल्टेज कितना है, V के इक्वल है, तो V की वैल्यू कितनी 10 है, तो 5 इंटू कितना 10 इज इक्वल कितना 50 वॉट। ये भी क्या है आपका, डिलीवरिंग इन नेचर है। ये भी क्या है बेटा, डिलीवरिंग इन नेचर है। ये भी क्या है आपका, डिलीवरिंग इन नेचर है, करेक्ट है। अब पॉइंट एक और आता है यहां पर, एक पॉइंट यहां पर आता है, दिया है ना सर इनडायरेक्टली,
हाँ ऑब्वियसली दिया ही है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कितना दिया है। तो प्लस माइनस यहां दिया हुआ है, इज इट करेक्ट? जो दिया है मैं उसको फॉलो अप करूंगा, अपने अकॉर्डिंग चलूंगा क्या उसके क्रॉस हो रहा है। क्लियर? नोट करो इसको, नोट करो तो एक नोट पॉइंट बताओ और उसका जवाब दो, उसका जवाब देना, फिर उसका जवाब देना, उसका जवाब देना। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, फिर इसका जवाब दो। एक क्वेश्चन में इसी पूछता हूं आपसे, जल्दी बताइए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स ना, छोटे छोटे पॉइंट। पहले युद्ध में तलवार लड़ने के लिए, क्योंकि जो मेरे से पढ़ा होगा ना वो जानता होगा, जब मैं स्काई लेवल या नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लूंगा ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका ये सब क्लियर नहीं होगा बेटा, सोच भी नहीं पाओगे क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस में लूंगा, ध्यान रखना। चलो फटाफट बताइए बेटा, नोट हो गया तो मैं हटा दूं इसको। ओके चलो, ये आपका क्या हो गया, नोट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें कोई पूछता तुमसे, नेक्स्ट पॉइंट कुछ पूछ सकता था, पूछ सकता था, क्या पूछता, सिंपल चीज पूछता, सेटिस्फाई द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इज इट करेक्ट नॉट? बिल्कुल, एनर्जी कंजर्वेशन आपका फेल नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी भी सर्किट में एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फेल कर रहा है तो आप याद रखना, आप याद रखना को सर्किट वैलिड ही नहीं है, वो सर्किट गलत है, एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब बाय चांस तुमने क्वेश्चंस किया और एनर्जी कंजर्वेशन ही फेल कर गया, तो इसका मतलब ये जो मैंने बनाया है ना ये आपका गलत है, तो ये जज करना बहुत जरूरी होता है, ये जज करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आप बताइए जरा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? यही कहता है ना कि समेशन ऑफ द पी टोटल मस्ट बी इक्वल टू कितना, जीरो आना चाहिए, इज इट करेक्ट नॉट? बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, दिमाग लगाओ जरा, एकदम ना ढंग से दिमाग लगाना। अगर मैं कहूं सारी की सारी यहां पावर क्या दिख रही तुमको, डिलीवर्ड दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, डिलीवर्ड दिख रही, तो टोटल जो डिलीवर्ड पावर होगी सर्किट की, टोटल डिलीवर्ड पावर की बात कर रहा हूं, ये भी डिलीवर कर रहा था, ये भी डिलीवर कर रहा है, 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 तो सबको जोड़ दूं तो मैं क्या लिखा, अगर मैं पी टोटल की बात करूं डिलीवर पावर की, पीडी की, तो कितना होगा आपका, 4 वाट। नेक्स्ट बताइए कितना होगा बच्चे, देखते रहे ना बस, ये कितना हुआ 16 वाट, प्लस का 16 वाट, नेक्स्ट क्या हुआ माइनस का 30, नेक्स्ट क्या हुआ माइनस का कितना 40, बहुत जबरदस्त, नेक्स्ट क्या प्लस का कितना 50 हो गया, इज इट करेक्ट? तो टोटल डिलीवर पावर अगर आप देखो तो ये कितना हो गया, 16 4 कितना 20, 50 20 70, ये भी 70, कितना आ गया 0 वाट की इक्वल, कितना आ गया 0 वाट की इक्वल। तो जब भी टोटल पावर आपको निकालना हो, समेशन जीरो करना हो, तो एक बात का ख्याल रखना, या तो सारी पावर को क्या रखना, डिलीवर के फॉर्म में, या तो सारी पावर को किस फॉर्म में रखना, एब्जॉर्ब के फॉर्म में। आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा समझना, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो टोटल डिलीवर पावर क्या हुआ आपका, 0 वॉट हुआ, इज इट करेक्ट नॉट? अब सोचो, अगर यहीं पर तुमसे पूछ लेता तो मैं क्या कह दूं, अगर यहीं पूछ लेता पी टोटल क्या एब्जॉर्ब पावर, वो भी तो 0 होगा ना, टोटल पावर क्या होगा इसके अंदर, हमेशा 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा सर्किट गलत है, ये गलत है सर्किट, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब वो भी 0 वाट आएगा। प्रूफ करना, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो, ध्यान देना जरा, टोटल एब्जॉर्ब पावर इन द सर्किट, सारे एलिमेंट की पावर को एब्जॉर्ब के फॉर्म में लिख दो, तो जो डिलीवर कर रहा है उसका एब्जॉर्ब फॉर्म क्या होगा, माइनस का फॉर्म, बोलो जरा, ये भी डिलीवर कर रहा है तो एब्जॉर्ब कितना होगा, माइनस 4, लिख दो जरा माइनस 4। नेक्स्ट बताइए, ये भी डिलीवर कर रहा था प्लस 16 आया था तो माइनस कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट बताइए, जब ये डिलीवर कर रहा था तो माइनस 30 आया था तो एब्जॉर्ब करेगा प्लस कितना आएगा 30 आएगा, ये माइनस 40 डिलीवर कर रहा था प्लस कितना 40 करेगा एब्जॉर्ब करेगा, ये प्लस 50 डिलीवर कर रहा है तो माइनस 50 क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, टोटल फिर करो कितना आएगा 0 वाट की इक्वल, करेक्ट? टोटल कितना आएगा, अगेन 0 वाट आएगा, अगेन 0 वाट आएगा। क्लियर? तो टोटल डिलीवर्ड, टोटल एब्जॉर्ब पावर किसी भी सर्किट में आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऐसा कहता है कि आप एनर्जी या पावर को कभी भी जनरेट या क्रिएट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल ना।
क्लियर। तो टोटल डिलीवर्ड और टोटल एब्जॉर्ब पावर किसी भी सर्किट का अगर जीरो नहीं आया तो सर्किट इनवैलिड सर्किट है। तो नोट करके पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखो। इफ द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल्स, इफ द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल्स, प्रिंसिपल फेल्स इन अ सर्किट देन द सर्किट इज नोन एज इनवैलिड सर्किट, द सर्किट इज नोन एज इनवैलिड सर्किट। इज इट करेक्ट? सर्किट इज नोन एज इनवैलिड सर्किट। चलो बहुत बढ़िया, चलो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने देख लिया भाई, एकदम ना नन्हे नन्हे पॉइंट को। चलो तो इसी बात पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तुम देना, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना। ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल ना, इसके बाद आएगा मीडियम रेंज के न्यूमेरिकल, इसके बाद आएगा मीडियम रेंज के न्यूमेरिकल। अभी आपका ग्राउंड लेवल पे पहले अभ्यास कर लो, अच्छा प्रयत्न करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाओ, छोटी छोटी चीजें पहले जानो, बड़े तुरंत आप छलांग लगाना चाहोगे तो गिर जाओगे, और जब एकदम ऊंचाई से गिरता है ना इंसान तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो छलांग ना छोटे छोटे लगाओ, छोटे कदम बढ़ाओ बच्चे, छोटे बढ़ाओगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, बट कदम हमेशा छोटे लो, बड़े कदम मत उठाओ, नन्हे नन्हे कदम, क्लियर। चलिए आगे बढ़े बेटा, बताइए जरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर थ्री ये ग्राउंड लेवल है, सब ग्राउंड लेवल ना। दिया क्या है? दिया है एक आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस का, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ना, और ये क्वेश्चन इस तरीके गेट में पूछा गया जो ये मैं ले रहा हूं, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्या दिया है? एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये लो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये आपका एक करंट सोर्स बना दिया, इसकी वैल्यू दे दिया 5Vx की इक्वल, 5Vx की इक्वल, क्या बात है, इसकी वैल्यू दे दिया Vx की इक्वल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है प्लस माइनस कितना, 8 वोल्ट की इक्वल, बहुत अच्छी बात है। और यहां भी दिया हुआ है प्लस माइनस कितना, Vr की वैल्यू दिया है, ये Vr की वैल्यू दिया है, और गिवन है, गिवन Vr इज इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट की इक्वल, ऐसा दिया है। Vr की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट है, और Vx की वैल्यू दिया है, Vx की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट की इक्वल, ऐसा दिया उसने। तो आपसे पूछा है पावर डिलीवर्ड बाई पी, पी डिलीवर्ड बाई किससे, करंट सोर्स। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट, 2 सेकंड लगना चाहिए आंसर करने के लिए, फटाफट बताइए आंसर, बताइए पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स। क्लियर? चलो जल्दी बताइए पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स। अरे एक लाइन का है, इसमें क्या सोच रहे हो, इतना 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए तुम्हें, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, दिख नहीं रहा। करंट सोर्स अगर पावर को डिलीवर कर रहा है, ये पूछा है तुमसे, इसका मतलब ये जो करंट ना इसके प्लस टर्मिनल से निकलना चाहिए, तो बिल्कुल निकल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू तो 5Vx दिया हुआ है, तो मैं लिख दूं यहां पे, तो 8 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 5Vx हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू Vx की वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है 2 वोल्ट की इक्वल है, 5 दूनी 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 वाट आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन ना, यही खत्म हो गया। और क्या था इस क्वेश्चन में, नथिंग, सेकंड्स में आंसर किया करो ना, सेकंड्स में। अगर यही तुमसे पूछ लेता बताइए पी एब्जॉर्ब बाय Vr कितना होगा, बताइए जरा क्या लिखते आप, पी एब्जॉर्ब बाय Vr कितना होगा, मतलब इस एलिमेंट ने कितना पावर एब्जॉर्ब किया, तो क्या लिखते तुम, Vr की वैल्यू लिखते वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करते पहले, करंट की डायरेक्शन ये है, एक सीरीज सर्किट है, यही करंट यहां पे भी होगी, यही करंट यहां होगी, तो ये करंट प्लस पे इंटर कर रही, माइनस लीव कर रही, इसका मतलब एब्जॉर्ब ही करेगा, तो Vr मल्टीप्लाइड बाय इस करंट की वैल्यू, और इस करंट की वैल्यू कितनी 5Vx है, तो मैं कितना लिख दूंगा 5 टाइम्स ऑफ कितना Vx, तो Vr की वैल्यू कितना दिया 10 वोल्ट,
इंटू फाइव, वी एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे, वी एक्स इज इक्वल दिया है 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 5 × 10 × 10 100 वॉट की इक्वल। ये हो गया आपका क्या, ये एब्जॉर्ब पावर तुमने निकाला, ये तुमने एब्जॉर्ब निकाला, तो इसका मतलब ये तो हो गया एब्जॉर्ब और ये वाला क्या था आपका डिलीवर था, सही बात है। अब इसी में अगर पूछ लेता इसका बताइए क्या होगा, डिलीवर एब्जॉर्ब कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बताइए अगर मैं पी डिलीवर्ड पूछता तो पी डिलीवर्ड किसका Vx का पूछता, क्या आता Vx मल्टीप्लाइड बाई करंट, देखो लीव कर रही है तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी 5 Vx, तो मैं क्या लिख दूं 5 × Vx की इक्वल, तो ये आ गया 5 times of Vx square आ गया, 5 × Vx की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 5 × 4 कितना 20 वॉट हो गया, ये हो गया डिलीवर पावर, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट सर। तो आप बताइए जरा, आप बताइए जरा, अब तुमसे कहता सेटिस्फाई द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, सेटिस्फाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, सही। अब इसको सेटिस्फाई करके देखो, तो मैंने क्या बोला टोटल, या तो टोटल एब्जॉर्ब ले लो या तो टोटल डिलीवर ले लो, कोई सब ले लो, तो मैं टोटल डिलीवर ले लू, तो बोलिए जरा पी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहला वाला डिलीवर कर रहा है कितना 80 वॉट, बहुत सही बात है, प्लस का नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाला एब्जॉर्ब कर रहा है 100 वॉट, तो डिलीवर कितना करेगा माइनस 100 वॉट, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 100 वॉट। नेक्स्ट बताइए ये भी डिलीवर कर रहा है कितना प्लस का 20, तो बोलो जरा 80 × 20 100 इज इक्वल कितना 0 वॉट, इसका मतलब सर्किट मेरा क्या है एब्सोल्युटली वैलिड सर्किट है, एब्सोल्युटली वैलिड सर्किट है, एब्सोल्युटली वैलिड सर्किट है, इज इट करेक्ट। चलो तो ये आप कहोगे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ना, एकदम नन्हे पिद्दी टाइप वाले क्वेश्चंस, बट यहां से एक बेस मिलता आपको, दैट्स वाई ये क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपको कराया गया बेटा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, बट मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में गलती करते हो, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इस क्वेश्चन की नीड नहीं थी, इस क्वेश्चन की कहीं से भी नीड नहीं थी, क्लियर। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इतना बेसिक सीख लिए तो मीडियम लेवल पे थोड़ा सा आते हैं, ठीक, मीडियम लेवल पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, हटाओ इसको, चलो ग्राउंड लेवल पे 3 क्वेश्चन, ये समझाने के लिए इनफ था, आपको एक बेस आपका क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम रेंज पाते हैं, चलो हटा दो इसको, हटा रहा हूं इसको ना, और यस और नो में एक बार जवाब दे दिया करो। अब सबसे पहले मुझे बता दो आपको सारी क्लैरिटी हो गई एब्जॉर्ब डिलीवर की, प्लस माइनस इन सब चीजों में अब कंफ्यूज तो नहीं होगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, बता देना जरा, कंफ्यूज तो नहीं होगी बेटा, और एक बार अपना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और कितनी एनर्जी तुम्हें कुछ कर गुजरने के लिए कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए मेरे को, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन भी उसी लेवल पे लूंगा, ठीक है। तो एनर्जेटिक अगर क्वेश्चन चाहिए तो एनर्जेटिक आपकी फीलिंग होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। टोटल डिलीवर्ड 100 0 वॉट, क्लियर। टोटल एब्जॉर्ब पूछता तो वो भी क्या आता आपका 0 वॉट आता, करके आप चेक कर लेते। एवरी क्वेश्चन ऑफ सच टाइप शुड बी चेक द नेट पावर ऑल द टाइम, नहीं, गेट में जितने क्वेश्चन आएंगे ना कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वैलिड सर्किट ही देंगे वो, अगर उनको इनवैलिड सर्किट देना होगा तो आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ कितना समय लग जाएगा ना सारा कुछ चेक करने में, तो कभी नहीं पूछा जाएगा ना, आपको जितने सर्किट मिलेंगे वैलिड ही सर्किट मिलेंगे, क्लियर रहो एकदम, डोंट वरी, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहो। कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा ना आपसे कि आपको एनर्जी बैलेंस चेक करना पड़े, बट हां अगर वो कह दिया चेक करने के लिए बिल्कुल आप चेक करिए, बिल्कुल आप चेक करिए उसके लिए, ओके ग्रेट, चलो वेरी गुड। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलो अब हम आ जाते हैं सी लेवल पे, चलिए सी लेवल, सी लेवल का मतलब क्या होता है मॉडरेट लेवल, ठीक, मॉडरेट लेवल, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट मींस मॉडरेट ना, मॉडरेट एकदम, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है तो मैं लिया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, फोर्थ नंबर ना, ये फोर्थ नंबर है, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ना, बहुत अच्छा फ्रेम्ड क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन ये, देखिए जरा, ये कोई एलिमेंट दिया ये, ठीक, और यहां पे एक आपका सोर्स लगा दिया, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया लाइक दिस वन, ऐसा कोई एलिमेंट दे दिया, तो अब देखिए जरा
इसमें वन ओम इसको दिया और इसको एक्स को एलिमेंट बोला और यहां पे दे दिया आपको प्लस माइनस 6 वोल्ट दे दिया, परफेक्ट है। और करंट की डायरेक्शन उन्होंने मेंशन किया कुछ इस तरीके से, कह दिया आई करंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान सुनो जरा, क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्होंने कहा है क्वेश्चन में दो लाइन आपको लिखना है केवल, और जो क्वेश्चन आपको नोट्स के लिए मैं कराऊंगा वो तुम्हें नोट करना ना, ऐसा मत समझना बुकलेट का नंबर डाल दूंगा इसके अंदर ना, ये समझ किया करो ना, वो क्वेश्चन नोट करिए प्रॉपरली। लिखे जरा इसमें दिया है द एलिमेंट एक्स ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर, द एलिमेंट एक्स ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर, हमेशा पावर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक्स जो है दिया है ये ना, ये गिवन है, एक्स क्या है ऑलवेज ऑलवेज एब्जॉर्ब्स एब्जॉर्ब्स पावर एब्जॉर्ब्स पावर, बहुत बढ़िया भाई, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा ना। अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक चीज तुरंत तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन भूल जाओ, ऐसे ही ना ब्रेक करके देखा जाता है, अगर एक्स हमेशा एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप मुझे बताइए इस सर्किट में क्या चीज ऑलरेडी पता है तुम्हें, करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखा है इसने, करंट डायरेक्शन क्या दिया आई की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन ये दे रखा है इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है आई की इक्वल है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है और ये हमेशा एब्जॉर्ब करेगा तो राइट मोस्ट साइड और लेफ्ट मोस्ट साइड का पोलरिटी क्या होगी, सोच के बताना, एब्जॉर्ब है तो एब्जॉर्ब मतलब प्लस पे करंट एंटर करना चाहिए, प्लस यहां होगा यहां माइनस होगा और इसको मैंने क्या लिख दिया वीएक्स लिख दिया अपनी तरफ से, इज इट करेक्ट, ये मैंने वीएक्स लिख दिया, परफेक्ट ना, क्योंकि हमेशा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो एब्जॉर्ब करेगा पोलरिटी हमारी निकल गई, तो ये पहली चीज आपको यहां से निकाल लेना था कि इसकी पोलरिटी क्या होगी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है इट सेट्स अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसने कहा आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर की इक्वल है, उसने कहा कि आई की वैल्यू कितनी 1 एम्पियर है इन द डायरेक्शन शोन, इन द डायरेक्शन शोन, इस डायरेक्शन में आई की वैल्यू कितनी 1 एम्पियर, और जब ये ऐसा है तो जो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है पीएक्स की इक्वल है, ऐसा दिया है, उसकी पावर की वैल्यू कितनी पीएक्स है, मतलब जब इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें जो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है पीएक्स की इक्वल, ऐसा उसने दिया है क्वेश्चन में, ऐसा उसने क्या दिया बेटा दे दिया है। अब क्या बोला उसने, अब कह रहा है अब आप बताइए टू एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ पीएक्स पावर फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ स्मॉल आई, मतलब 1 एम्पियर के अलावा क्या कोई और वैल्यू हो सकती जिसपे कि अगेन वो पावर कितना एब्जॉर्ब करे पीएक्स एब्जॉर्ब करे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा। क्वेश्चन में बोला जब इसमें 1 एम्पियर करंट है तो जो पावर इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है पीएक्स अमाउंट का है, तो आपसे कहा कि बताइए करंट की क्या कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल हो सकती जिसपे कि इसका एब्जॉर्बिंग पावर अगेन आपका क्या मिले आपका पीएक्स मिले, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब दिमाग तुम्हें लगाना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब सोच के देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए जिसमें दो दो तीन तीन केसेस दिए हो तो हमेशा ना केसेस फ्रेम किया करो, हमेशा केसेस बनाया करो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी ना तो आप फिर एकदम फास्ट भी कर सकते हो, बट अभी फास्ट नहीं चलना है, रिलैक्स एकदम रिलैक्स, और जिसको आता है वो भी करे। पेन पेपर पे चलाना बहुत जरूरी है, अगर पेन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप बेटा टेंशन हमेशा लोगे अपने लिए, नॉट फॉर मी, अपने लिए टेंशन लोगे, तो कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, क्लियर। चलिए देखते हैं जरा, तो पहला केस क्या दिया, सोचो जरा, दिमाग लगाओ जरा, केस फर्स्ट क्या दिया है, पहला केस में दिया है जब करंट की वैल्यू कितनी है स्मॉल आई इज इक्वल कितना 1 एम्पियर की इक्वल है, तो जो आपका पीएक्स ये क्या है उसका पावर है,
कौन किसका, इस एलिमेंट का। तो आप बताइए इस एलिमेंट का अगर पावर लिखना ही होता तो डीसी सर्किट ना, तो पीएक्स एब्जॉर्ब है ये हमें पता है, तो पावर की वैल्यू कितनी होती, जितना इसके क्रॉस वोल्टेज और जितनी इसमें करंट जा रही, तो कितनी करंट जा रही है आई टाइम्स ऑफ कितना वी एक्स की इक्वल। तो बताइए जरा आई की वैल्यू वन है इंटू कितना वी एक्स की इक्वल, यही तो आएगा। और ये कैसी पावर है, एब्जॉर्बिंग इन नेचर ना, एब्जॉर्बिंग इन नेचर, एब्सोल्युटली फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन सर। अब बताइए सोचते रहिए, बस सोचते रहिए, ये हुआ आपका केस फर्स्ट ना, ये क्वेश्चन वन बन गया। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ एकदम प्यार से ना, एकदम प्यार से दिमाग लगाना, कोई भी इसमें गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब सोचो क्या मैं Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, चेक करके सोचना जरा, दिमाग लगाओ। आप बताइए ये तुमको पता है वोल्टेज, क्लियर, बहुत सही बात है। करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पता है 1 एम्पियर है, तो क्या मैं इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकता, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं सर, करेक्ट। आप बताइए अब अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही, तुम खुद बताओ रेजिस्टेंस एक कैसा है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है और डिसिपेट भी करता है, तो एब्जॉर्बिंग है तो करंट डायरेक्शन अगर ये है तो बोलो प्लस माइनस यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि प्लस पे करंट एंटर करेगी माइनस से लीव करेगी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, कितना हो गया 1 वोल्ट, कितना आया 1 वोल्ट आया, इज इट करेक्ट। अब ये वोल्टेज पता, ये पता, ये नहीं निकाल सकते, एक केवीएल लगा दिए बस, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में केवीएल लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस से प्लस क्या हुआ वोल्टेज राइज 6 वोल्ट, प्लस से माइनस क्या हुआ ड्रॉप हुआ माइनस कितना 1 वोल्ट, प्लस से माइनस क्या हुआ ड्रॉप हुआ माइनस वी एक्स इज इक्वल कितना 0 की इक्वल आ गया, तो वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चे 5 वोल्ट की इक्वल, सही, बहुत बढ़िया बात है। Vx वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट की इक्वल। अब अगर Vx 5 वोल्ट आ गया तो जल्दी से बताओ Px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टाइम ऑफ कितना Vx, और Vx की वैल्यू 5 है तो 5 कितना आ गया 1 ना, 1 into 5 इज इक्वल टू कितना 5 वॉट की इक्वल। ये आपका पावर की वैल्यू तो हम जान गए कि दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ पावर होना है और उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 वॉट की इक्वल, परफेक्ट सर। यहां तक केस वन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन निकल गई कि पावर तो मेरा निकल गया, यही केस टू में भी होगा, करंट चेंज करे वोल्टेज चेंज करे आई डोंट केयर, मुझे बस इंटरेस्ट है केवल पावर में, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केस टू पाइए। अब कहा उसने कि करंट की कोई दूसरी वैल्यू लेनी है आपको, तो करंट कोई दूसरी वैल्यू नहीं, तब मैं आई की वैल्यू किसके इक्वल ले लेता हूं, आई टू की इक्वल ले लिया, ठीक है। या आपको I2 आप कोई करंट फ्लो कर रही है, तो अगर I2 फ्लो कर रही तो मेरा सर्किट क्या हो गया बेटा, लाइक दिस वन, नेक्स्ट अगेन आपका सर्किट एक बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चे एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस कितना दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट और ये 1 ओम हो गया और ये एक्स एलिमेंट है, इसके क्रॉस जो अब वोल्टेज है उसको मैंने लिख दिया प्लस माइनस कितना वी एक्स टू लिख दिया, कितना लिख दिया वी एक्स टू। करंट कितना अब जा रहा है, करंट की वैल्यू कितनी जा रही, अब जा रही आई टू की इक्वल, क्लियर। और जो पावर इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है पी एक्स टू इज इक्वल कितना है पी एक्स की इक्वल है, कितना है पी एक्स की इक्वल, क्लियर। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दैट इज इक्वल टू 5 वॉट की इक्वल, परफेक्ट है। यहां तक भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर सर। तो अब सोचो अगर ये पावर दोनों सेम है तो इस केस में जब पावर लिखे तो क्या लिखे Vx टाइम्स ऑफ I, तो इस केस में भी पावर की वैल्यू आपको लिखना है, तो पावर की वैल्यू अगर इस केस में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा Px2 इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू 5 वॉट, ये तो सबको पता है दोनों केस में, इज इक्वल टू कितना आएगा Vx2 मल्टीप्लाइड बाय कितना I ऑफ 2 की इक्वल, परफेक्ट सर, यही आएगा इक्वेशन, एकदम सही बात है सर। अब अगर ये इक्वेशन आ गया तो सोच के देखो, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही रखनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पावर जो होगा वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन, तो अगर पावर सेम है और करंट कह रहा चेंज करेंगे तो वोल्टेज डैम श्योर आपका चेंज करेगा, वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम पावर, तो वोल्टेज तो चेंज करेगा भाई, बिल्कुल चेंज करेगा, अदरवाइज पावर फिर उतनी आ जाएगी ना, ऑब्वियस बात। अगर 5 वॉट कहता और वोल्टेज भी कहता सेम होगा तो करंट उतनी निकल के आएगी ना अगेन, क्लियर। तो बताइए अब दो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और आपके पास क्या है दो वेरिएबल, एक इक्वेशन का और जरूरत है, तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं,
देखिए जरा ध्यान से देखिएगा एकदम, बताइए जरा अगर मैं इसमें केवीएल लगा दूं अगेन तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो फटाफट। प्लस माइनस क्या हो रहा है आपका, सॉरी ये डायरेक्शन अलग है, ये प्लस ये है ये है, तो माइनस से प्लस कितना हुआ 6 वोल्ट, अच्छी बात है। ये फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा तो प्लस माइनस ये हो गया। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा आई टू टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस का आई टू इंटू कितना 1 हो गया, प्लस माइनस क्या हुआ ड्रॉप हुआ, माइनस का कितना वीएक्स टू इज इक्वल कितना 0 के इक्वल, ये आ गया। यहां से देखो एक रिलेशन आया, क्या आया वीएक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस कितना आई ऑफ 2 के इक्वल, क्लियर। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पुट कर दो क्या मिलेगा जरा बताइए, 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, वीएक्स टू वैल्यू पुट करो 6 माइनस आई ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आई ऑफ 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करिए, बोलिए जरा कितना आ जाएगा, फटाफट निकालिए इसको, फटाफट निकालिए और बताइए मुझे आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, निकालिए जरा जल्दी से आई टू, फटाफट बताइए सबको आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, चेक कर लो बेटा अच्छे से ना, चेक कर लेना आई टू वैल्यू बताइए, निकालो ना 6 टाइम्स ऑफ आई टू माइनस आई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, कितना आ गया आई टू स्क्वायर, इस दोनों किधर लेके आओ, माइनस का 6 आई टू प्लस का 5 इज इक्वल कितना 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, जल्दी से बता दो आई टू कितना आएगा फटाफट ना, आई टू की वैल्यू बताइए, यह हटा रहा हूं बच्चे ना, इसको नोट तुमने कर लिया होगा, होपफुली तुमने नोट किया होगा, बताइए जरा आई टू कितना आएगा बेटा, आई टू इज इक्वल टू कितना आएगा, निकालिए जरा आई टू इज इक्वल कितना आएगा, आई टू इज इक्वल कितना आएगा, आई टू इज इक्वल कितना आएगा बच्चे जल्दी बताओ आई टू इज इक्वल कितना आएगा फटाफट, इसको सॉल्व अगर करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे 1 एंड कितना 5 एम्पियर आएगा ना, इतना तो कर सकते हो ना, जिसको कुछ नहीं आता क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता वो क्या करे, सिंपल श्रीधराचार्य मेथड लगा, माइनस बी, बी का मतलब माइनस, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस, ये लो जिसको कुछ नहीं आता, बी स्क्वायर 36 माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू कितनी 1 है, सी की वैल्यू कितनी 5 है, तो 1 इंटू कितना 5 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी 1, ये लो इसको करोगे तो 1.5 एम्पियर 2 आएगा, ठीक, तो 1 एम्पियर पे भी देखो 5 वाट था और 5 एम्पियर पे भी क्या है आपका 5 वाट है, तो सेकंड जो पॉसिबल करंट है वो उसका आंसर कितना होगा 5 एम्पियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 5 एम्पियर विल बी द राइट आंसर, 5 एम्पियर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 5 एम्पियर विल बी द राइट आंसर, पहली करंट 1 पे भी उतना ही होगा और दूसरी करंट 5 पे भी उतना ही पावर आपका फ्लो करेगा, क्लियर। अब अगर तुमसे कोई पूछता कि बताइए वोल्टेज कितना होगा सेकंड केस में, सेकंड केस में वोल्टेज कितना हुआ जल्दी से बता दो मुझको, अगर तुमसे कहता फाइंड द वीएक्स टू, अगर कहता फाइंड वीएक्स टू तो बोलो कैसे निकालते, ध्यान से देखिए आई ऑफ टू कितना आया 5 एम्पियर आया, सेकंड केस का 5 एम्पियर आया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई वीएक्स इज इक्वल टू 5, तो वीएक्स टू इज इक्वल कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल कितना 1 वोल्ट के इक्वल आ गया, सही, तो वीएक्स टू कितना आएगा 1 वोल्ट आएगा, क्लियर ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह चीज ध्यान रखो, सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सिंपल ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह आपकी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1 वोल्ट ना, तो 1 वोल्ट आपने निकाल दिया, 1 वोल्ट निकाल दिया। अब सोचो, अब तुमसे कहता कि बताइए, चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना ना, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नोट लिखे, नोट लिखे, नोट लिखे, अब मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देना, दो क्वेश्चन का सबसे पहला मेरे दो क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना ना, दो क्वेश्चन का, सबसे पहला लिखे, पहला लिखे, नंबर वन, हाउ मच पावर विल बी डिलीवर्ड इन बोथ केसेस बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। कोई मुझे जल्दी से आंसर कर सकता है, एकदम फास्ट वे में बता सकता है, कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कितना होगा, अगर कोई पूछता कि फाइंड द
टोटल अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, 6 वोल्ट ना। तो फर्स्ट केस में अगर पूछता तो 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता, 1 होता, कितना आता, 6 वॉट आता। कितना आता, 6 वॉट आता। अगर सेकंड केस में तुमसे वही पावर डिलीवर पूछता तो अब बेटा 6 वॉट नहीं आएगा, अब कितना आएगा, अब आपका आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ गया, 30 वॉट। कितना आ गया, 30 वॉट। तो आप देख रहे हो करंट के वेरिएशन की वजह से आपका डिलीवर पावर बढ़ रहा है। क्यों, इसका पावर तो सेम है, ये तो उतना ही कर रहा है, इस केस में भी उतना ही कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है आपका, I² × R, जो डिसिपेशन है। तो अगर करंट की वैल्यू बढ़ी तो डिसिपिएटिंग पावर आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डिसिपिएटिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट केस में लिख लो कितना होगा डिलीवर पावर, 6 × 1 = 6 वॉट। बट सेकंड केस में अगर निकालते तो क्या मिलता, 6 × 5 = 30 वॉट। 30 वॉट। क्लियर। अगर तुमसे पूछता एक क्वेश्चन पूछता ना, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता कि बताइए इस पूरे सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो दिख रहे हैं पावर को एब्जॉर्ब करते हुए, कौन कौन से एलिमेंट है जो पावर को एब्जॉर्ब करते दिख रहे हैं, कौन कर रहा है, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और ये भी तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, अकेला कौन डिलीवर कर रहा है, ये 6 वोल्ट कर रहा है, इज इट करेक्ट। तो क्वेश्चन मेरा सेकंड ये है